आपने कल बतलाया है उसके अतिरिक्त जो सनातन गोस्वामी जी ने दिया है व्याख्या, उसकी मैं थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूँ। विशेष करके सनातन गोस्वामी जी यह कह रहे हैं, जब ये श्लोक पढ़ रहे हैं बादरायणी सुखदेव गोस्वामी, तो गोपी भाव में भी भावित हैं, इसलिए उस श्लोक का गोपी भाव में सनातन गोस्वामी जी सब अर्थ लगा रहे हैं। कल बतलाया था इथम सता ब्रह्म सुखानुभूत्य, साधुओं के भक्ति प्रधान ज्ञान के जो ब्रह्म सुखानुभूति है, ब्रह्म ही है, ये बतलाया था सनातन गोस्वामी जी। इसके संबंध में बतला रहे हैं कि साधु मुक्त पुरुषों के निकट ब्रह्मानुभूति स्वरूप और मायामोहित कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के निकट नर दारकेन नर बालक रूपेण, जो प्रतिभात होते हैं वे स्वयं भगवान कृष्ण के साथ में उनके साथ में ये विहार कर रहे हैं। कौन सखा? यहाँ पर एक बात और कहेंगे, गोपियाँ बड़ी खेद कर रही हैं, दिन में कृष्ण के विरह में व्यथित हैं और वो भूल जाती हैं रात का विषय, और विरह में तन्मय होकर के सखाओं के लिए कर रही हैं, अहो हम लोग तो उनका विरह दुख दिन में अनुभव करती हैं और सखा लोग क्या, सखा लोग उनके साथ में नरदार के न नर बाल के न गोपी बालक किशोर मूर्ति में उनके साथ में सब समय विहार करते हैं, हम लोग दिन में उनके साथ में विहार नहीं कर सकते, किंतु ये गोपियाँ कैसी हैं उनके साथ में विहार करते हैं। अथवा सत कहने से ज्ञानी निष्ठगण जिनको ब्रह्म और तत्सुख स्वरूप अनुभव करते हैं, और दास भक्त लोग परम देवता स्वरूप समझते हैं, आत्मप्रद भक्तों को आत्मप्रद माने आत्मा अपने को भी दान देने वाले होते हैं, कृष्ण के सहित में विहार करने लगे। कौन सखा लोग किनके साथ में उसको बतलाए? अथवा मायाश्रिता नरदारक है ना, मायाश्रिता जगत को विमोहन करने वाली जो माया है उसको आश्रय कर, भगवत मोहन आदि रूप कार्य संसाधन कर या था माया माने जोग माया है। गोपियों का भी ज्ञान ढक लेती हैं, नरबालक के रूप में देखती और कृष्ण को भी कृष्ण की ऐश्वर्यता को भी आच्छादित कर देती है। से माया दास रूपे आश्रित जहरा, उस माया के आश्रित जो दास हैं से कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के निकट नरदार के नरबालक के रूप में, अथवा अब ये दे रहे हैं माया कहने से कात्यायनी के आश्रित, मायाश्रित है ना, माया माने जोग माया, वो क्या है कात्यायनी महामाये महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते नमः,
इस मंत्र का आश्रय जिन लोगों ने लिया था, किसने? गोपियों ने, गोपियों ने लिया था। उसमें भी बहुत लंबी चौड़ी बात है। कौन सी गोपियों ने? राधिका, ललिता, विशाखा इत्यादि नहीं, वो मुनिचरी, श्रुतिचरी, दंडकारण्य ऋषि इत्यादि जो गोपी कुल में जन्म ग्रहण किए थे, अभी गोपियों का संग नहीं है वो लोग। तो वो जो उन्होंने इस मंत्र को ग्रहण किया था और ग्रहण करके कात्यायनी जी की पूजा की थी, जिन गोपियों ने, अर्थात उस महामंत्र का से कृष्ण की आराधना की थी, कौन? गोप कुमारीगण, जिन्होंने गोप जोग माया का आश्रय लिया था। जोग माया का आश्रय लेकर के जिन्होंने कृष्ण की आराधना की थी, उसी मंत्र से कृष्ण ही या जोग माया की ही उपासना की थी, आश्रिता थी, वो भगवत प्रियतम गोपियों के निकट जो केवल नर बालक के रूप में, नर बालक के रूप में, नर माने गोप, गोप बालक के रूप में प्रतीत होते हैं, उनके साथ में विहार किया था ये सखाओं ने, इनका कितना सौभाग्य है। और नर नरदारक शब्द का अर्थ भी किशोर रूप है, अर्थात तो कृष्ण का कैसा रूप? किशोर, बाल्य रूप नहीं है, अथवा बालक के बाद में पौगंड नहीं, किशोर रूप, जो गोपियों के लिए आश्रित है, उसके साथ में विहार किया, अर्थात वेशभूषा संबलित, मोर पंख, मुरली और ब्रज के जितने वेश हैं वो सब को धारण करके परम नटवर के समान पड़े ये हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं उनके साथ। इसलिए गोपियों के निकट जो परब्रह्म होने पर भी वे गोप बालक के रूप में, गोप कुमार के रूप में प्रतीत होते हैं, उनके साथ में विहार किया। अथवा यहाँ नर बोलते गोप और उनकी दारा, उनकी पत्नी को सुख को वर्धन करने वाले, गोपियों के सुख को वर्धन करने वाले नरदारक मूर्ति, नरदारक माने मनुष्य प्राणी मात्र के, विशेष करके गोपियों के चित्त को द्रवित करने वाले, प्रेम से स्नेह से द्रवित कर देने वाले जो कृष्ण है, नरदारक माने ये लाए, जो गोप नारियों के परम सुख विधान कर गया था, गोपियों के परम सुख विधान करने, नारायण धारती, नारायण दाराय दारयति, गोपों के चित्त को, प्राणी मात्र के चित्त को भी द्रवित करने वाले जो किशोर रूप है, उनके सहित में विहार कर रहे हैं। नर शब्द के परिवर्तन में नारी होना चाहिए था, नर दार के न यहां पर कर रहे हैं, उचित तो था ये, नर शब्द का के बदले में नारी शब्द होना चाहिए था, तथापि सादृश्य के लिए समस्त लोगों के हृदय को भी प्रेम से विदीर्ण करने वाले हैं, अर्थात द्रवित करने वाले हैं। गोपियों की प्रतीति साम्य हेतु, गोपियों के भाव में आविष्ट रहने के कारण सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार एक एक से पहले से दूसरा भाव उन्नत है,
गोपियों का ही संबंधी। एम भूत कृष्ण के सहित विहार कर रहे हैं, कृत पुण्य पुंजा अगण्य पूजा, जिसकी अगणित पुण्य कुछ किया होगा, ये लौकिक रीति के अनुसार मैं कह रहे हैं। वो लोग कोई भी व्यक्ति लौकिक पूजा पाठ या तपस्या इत्यादि के द्वारा कृष्ण का सहचर नहीं हो सकता, इसलिए अगणित पुण्य इस प्रकार से गोपियां कर रही हैं, और उसके गोपियों के भाव में आविष्ट होकर के सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हो कितने ये सौभाग्यमान हैं, हम जिसकी आकांक्षा करते हैं दिन में उनसे मिलन नहीं हो पाता, और दिन रात उनके संग में रह करके उनके साथ में विहार करने वाले ये जो सखा लोग हैं ये धन्य है। विशेष करके सनातन गोस्वामी जी उस श्लोक को बतला रहे हैं, अखन्वतांग फलम इदम न परम विदा, माने सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं और सखाओं के साथ में जो विहार करते हैं, कैसे एक वन से दूसरे वन में गायों को लेते हुए जा रहे हैं और राम के साथ में बंसी वादन कर रहे हैं, और राम आगे आ गया हैं और वो पीछे हैं, अथवा एक क्या नंद बाबा के एक नंद बाबा और दूसरे हैं विश्वभानु बाबा, ब्रजेश सुतयो सुतश्च सुतयो, उनके साथ में राधा जी के साथ में, और अनुबेनु जुष्टम, उसमें राधा जी पहले कृष्ण बजा रहे हैं और उनको सिखलाने के लिए राधा जी फिर से बंसी बजा रही हैं, और उस समय सदै रूप में कृष्ण और राधा जो देख रही हैं, उस कृष्ण का मुखारबिंद और राधा जी का मुखारबिंद जिसने दर्शन नहीं किया, उनके नेत्रों उनके नेत्र व्यर्थ हैं, उनके नेत्र से कोई आवश्यक नहीं, इस श्लोक को वहाँ पर इंगित कर रहे हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने इसके व्याख्या की। अनुवाद ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी डीप मीनिंग। So yesterday
Shri Guru Dev explained the meaning of this verse. But today, Shri Guru Dev explained that Shri Sanatana Goswami Maharaj has given a commentary on this verse. And it would be overdeprived if Guru Dev did not take this opportunity to share with us the very beautiful explanation of this verse written by Shri Sanatana Goswami in his Bhagavatamrita. Guru Dev said, you will just try to touch the mood expressed by Shri Sanatana Goswami in regard to this verse of Srimad Bhagavatam. So, first of all, Srila Sanatana Goswami Maharaj, he expressed that when Shukadeva Goswami spoke this verse of Srimad Bhagavatam, he was completely absorbed in the mood of gopis of Vrindavan. So, he said, Itam Satam, those who have Bhakti Pradhan Jnana, knowledge, but with some devotion, they experience, those sadhus, they experience Brahma Sukh in relation to Krishna. And those who are bewildered by Maya, they are karma nishtha, they are performing fruitive activities in this world. They think that he is an ordinary boy. And how do gopis feel? During the day, the gopis of Vrindavan are afflicted with very intense separation because Krishna goes out from the village for cow grazing. At that time, the gopis are completely absorbing thoughts of Krishna and they feel, we realize separation now when Krishna is out grazing cows. But what do the gopis feel? What do the cowherd boys feel? They play with Krishna. And they don't feel as we feel. They're not feeling separation. So they are very fortunate. Those who are jnana nishtha, they cannot do any pastimes with Krishna. And those who are devotees, they see Krishna as their Ishta Dev. But here, Mayashitanam Dharadharakena, those under the shelter of Maya, Sanatana Goswami is suggesting another meaning. Here Maya means Yoga Maya. So now the feeling comes that those who are under the shelter of Yoga Maya, all their knowledge of the opulences of Krishna are completely covered over. And so those gopis, they who never see Krishna's opulences, they have a relation with Krishna just as an ordinary cowherd boy. Another meaning here, Maya Shikhanena, here, who has taken shelter of Maya means those gopis who have taken shelter of Yoga Maya in the form of Katyayani. In other words, if the gopis were praying, Katyayani Maya Maya, Maya Yogi Nadishtari, Nanda Gopas Sukham Devi, Patime Guru Devi Namaha, O Katyayani Devi, O Mahamaya, Maya Maya, Mahayogini, you are Mahayogini, Adishri, under control over everything. Nanda Gopasukam Devi, O Goddess, please Patime Krutem Namaha. Make the son of Nandaraj be my beloved. So, who took shelter of this mantra? Not Radhika, not Lalita, not Vishaka, not Nitya Siddha Gopis, but Sadhana Siddha Gopis, who in the temple, the Munichari Gopis. They were great sages of the Dattatarani in their previous life. Or Shuchichari Gopis. They were the mantras of the Vedas personified. So they, who were not associated with the Gopis, they took shelter of this mantra, and through this mantra, they did the aradhana of Sri Krishna. So for them, Naradharakena, Krishna, they see him like an ordinary boy. What does that mean? That means in Gopuru, like a cowherd boy, but especially in
Kishoru. In Dharadharakena means Krishna in Kishoru. How he's so beautiful with the peacock feather in his hair, playing on his venu. He's decorated so nicely, like an atabara, a dancing actor upon the stage. This is the meaning of Dharadharakena. So Srila Sanatana Goswami is giving more meanings. Here, Itam Satam Brahma Sikhanam Bhutta means, even though Krishna is Parabrahma, but gopis, they never experience him in that way. He increases their sukh, their happiness, at every moment. That means that he causes their heart to melt with praying, snare, all the transcendental moods. Here, Naradharakena, his Nani is Nani. Halt melting. So question comes, here it says Naradharakena. Why not Nari? He is not in arms of gopis, they are female, Nari. But here Naradharakena means he is not gopis sleep. This is their mood. They especially see how Krishna is melting the hearts of all the living entities. So Shukadeva Goswami, he said this, he completely absorbed in Gopi's mood. So Gopis think that we are experiencing separation, but those who can play with Krishna, do so many vihar, sports with Krishna during the day, they are Prita Punya Punya. They have accumulated so much piety. So here punya, punya means if someone does pious activities, then they have good fortune in their life. And therefore, because we know that no one can attain Krishna's association by doing punya karma, but because gopis see Krishna as an ordinary boy and is speaking according to Loki Priti, that means Loki Sarvanubha Sarvada, like ordinary young girl, remembering ordinary young boy, so they say Krishna Punya Punya. Those cowherd boys, they must have accumulated so much piety to have the chance to meet with him. So all sweetness mood is in this verse. Here, Krishna Punya Punya means Akalit Punya. Incalculable, immeasurable, Gopi Singh, they must have done immeasurable pious activities to have the chance to be with Krishna. So here, another meaning, Naradharakena. Nara is taken to be male. It refers to the cowherd boys. And Dara, the word Dara means wife. So, Mayashita Naradharakena, that Krishna is melting the hearts of the wives of the gopis, meaning gopis, young gopis of Vrindavan. So, being absorbed in gopis, Gurushkriya Goswami, he says, how fortunate these cowherd boys are to play with Krishna all day. So this verse is parallel to the mood expressed by the gopis in Vainugis, chapter 21. When they say, Akshamatam Paramidam Naparamidama, Sakya, Sakya, Pashim, and Vivesha Tovayasya, Bhaktam Prajesha Sutayo, and Vainugushtam, Yarvani Gitam, and Rakhtakaksha Moksham. In this verse, Gopi say that when Krishna, he goes out into the forest with the cows, surrounded by his friends, then he could have those eyes which have not seen him at that time, or they are completely useless. And especially in this verse, Bhaktram Prajesha Sutayo Anubhainu Krishna. General meaning, Sutayo means two sons of Prajesh, the king of Braj. So two sons of the king of Braj, they are Krishna and Balaram. So Anubhainu Krishna means Balaram is going first and Krishna is following, Anubhainu Krishna following behind and playing his flute. But the confidential meaning,
Sutayor is Sutascha, Sutascha, Sutayor. The word Sutta meaning sun and Sutta meaning daughter. When they are put together, become Sutayor, meaning the son of the king of Braj, Brajesha Sutayor, and also the daughter of the other king of Braj, that is Vrishabhanu Baba. So, when she is playing the flute after Krishna, Anuvedu Krishna means that Krishna was playing his flute. Then Radhika took the flute of Krishna and began to play in order to teach him how to play the flute properly. And when Krishna struck the oneness in Radhika's expertise in playing the flute, how they looked towards each other, Anurakta Katasha Moksha, glancing to each other with deep attachment. If your eyes have never seen this, then your eyes are completely useless. This is the mood. So, in this way, Srila Sanatana Goswami has expressed the internal feelings of Srila Sukadeva Goswami, who was absorbed in the mood of the gopis when he spoke this verse, Itam Satam Brahma Sukhanam. Jai Nanda.
श्री चैतन्य महाप्रभु सख रस की बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले यह उत्तम, सबसे पहली बार यहां तो सर्वोत्तम कहा। क्यों? सख रस का यह भाव है अपना के बड़ माने, आमा के अधीन सर्वभावे होई आमी तहां अधीन। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने को मुझसे बड़ा मानता है, आमा के अधीन अपना अधीन मानता है, अथवा इतना न मानने पर भी सम ज्ञान करता है, तो भी उसके प्रेम में मैं अधीन हो जाता हूं। नियम तो यह है, सर्वभाव से मैं उसके अधीन हो जाता हूं जो मुझको पाल्य ज्ञान करता है, अपने को पालक ज्ञान करता है, अपने को गुरु ज्ञान करता है और मुझको दीनहीन समझता है। किंतु इतना होने नहीं पर भी यदि समभाव भी उसका है तो उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। शांत और दास्य के प्रेम से वो प्रसन्न नहीं होते। क्यों? उसके वशीभूत नहीं होते। आमा के ईश्वर माने, आमा के ईश्वर माने, अपना के दीन, तार प्रेमे वर्ष आमी ना होई अधीन, जो हमको ईश्वर मानता है और अपने को अत्यंत दीन मानते हैं, ऐसे लोगों के प्रेम से मैं बस, प्रेम तो है वो, मैं ग्रहण करता हूं, आस्वादन करता भी हूं, उनके बस में अधीन में नहीं होता। अतः मैं कब होता हूं? यदि कोई मुझको अत्यंत दीन ही मन समझे, दीन समझे, छोटा समझे, हीन समझे और अपने को लाल्य पाव, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के रचयिता के भी ईश्वर, स्वयं सबके आदि सबके अनादि, अपने स्वयं अनादि सबके आदि, सर्वसरेश्वर सर्वशक्तिमान परब्रह्म, उनको अपना बेटा मान करके समझते हैं ये तुच्छ है, ये हीन है, तुच्छ नहीं, हीन है, बुद्धि नहीं है उसको। इसलिए सखरस में संकोच रहित स्वच्छंद सेवा है और सेवा वासना का अत्यंत विकास भी है दोनों, और साथ साथ में ममता भी है और लोगों से। सुन करके महाप्रभु जी ने कहा यह उत्तम, इसके लिए भी कहा और कहा ये आगे कहा और कुछ आगे चलो। अभी महाप्रभु जी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप में अपने को बड़ा और मुझको हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, अपने को अनुग्रह करता और कृष्ण को अनुग्रह का पात्र जो समझते हैं। इसमें सखरस से भी अधिक ममता है, सखरस में ममता है किंतु कृष्ण के लिए रसोई नहीं बनाएंगे, फल मिल जाएगा जंगल में मिल जाएगा, फल मूल कंद वो सब तो खा लेंगे, किंतु यशोदा मैया की जैसी ममता है कि अपने को गुरु ज्ञान करके, माता पिता मान करके, कृष्ण को तारण भत्सन